जय माता दी। दोस्तों, मैं हूँ सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गणगौर तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ गणगौर तीज की व्रत कथा। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा के सच्चे भक्त हैं, अगर आप भी गणगौर व्रत में यकीन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गौरा मैया जरूर लिखेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब सुन लेते हैं गणगौर तीज की यह पवित्र और रोचक कथा। राजा का बोया जौ चना, माली ने बोई धूप। राजा का जौ चना बढ़ता जाए, पर माली की धूप घटती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास में कंबल ओढ़ के छुप गया। छोरियां आईं धूप लेने, धूप तोड़कर ले जाने लगी तो उनका हार खोसे, उनका डोर खोसे। छोरियां बोली, क्यों महारा हार खोसे, क्यों महारा डोर खोसे? 16 दिन गणगौर के पूरे हो जाएंगे तो हम पुजापा दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आईं पुजापा देने। माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ गया? माँ बोली, वो तो गाय चराने गयो है। छोरियों ने कहा, ये पुजापा कहाँ रखें? तब माँ ने कहा, ओबरी गली में रख दो। अब बेटो आयो गाय चराकर और माँ से बोलियो, माँ छोरियाँ आई थी? माँ बोली, आई थी। पुजापा लाई थी? हाँ बेटा, लाई थी। कहाँ रखा? ओबरी में रखियो है। ओबरी ने एक लात मारी, दो लात मारी, ओबरी नहीं खुली। तब बेटे ने माँ को आवाज़ लगाई और बोलियो कि माँ, ओबरी तो नहीं खुले। तब माँ बोलियो, नहीं खुले तो पराई जाई कैसे ढाबेगा? माँ, पराई जाई तो ढाब लूँगा, पर ओबरी नहीं खुले। माँ आई, आँख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चीटी अंगली में से मेहंदी निकाली और छीटो दियो, ओबरी खुल गई। उसमें ईश्वर गणगौर बैठे हैं, सारी चीज़ों से भंडार भरिया पड़िया है। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे को टूटी, वैसे सबको टूटना। कहता ने, सुनता ने, सारे परिवार ने अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गौरा मैया की जय। दोस्तों, यह थी गणगौर व्रत के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में गौरा मैया की जय लिखना मत भूलिएगा।